हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त भी होंगे और जो सामाजिक दूरी की एक प्रतिज्ञा हमने ली है उसका पालन कर रहे होंगे, जिससे आप अपना, अपने परिवार और अपने समाज का स्वास्थ्य बनाए रखेंगे, कोरोना वायरस से बचे रहेंगे, ऐसी आशा और विश्वास है। तो हम आगे बढ़ते हैं। कल हम पढ़े थे मुद्रा और बैंकिंग बल चैप्टर में, समष्टि अर्थशास्त्र में मुद्रा के कार्य क्या हैं, उन कार्यों के बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। आज हम बैंकिंग की ओर चलते हैं। बैंक क्या हैं? जो व्यापारिक बैंक हैं जिनमें हम अपने अकाउंट खोलते हैं, खाते खोलते हैं, वो बैंक क्या हैं और उन बैंकों के कार्य क्या हैं, हम उस ओर बढ़ेंगे आज बैंक की ओर। सबसे पहले हम व्यापारिक बैंक देखते हैं। व्यापारिक बैंक क्या है या व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं? व्यापार शब्द जहां पर आ गया, आप समझते हैं कोई भी व्यक्ति व्यापार केवल लाभ के उद्देश्य से करता है व्यापार। तो व्यापारिक बैंक ऐसे बैंक या वित्तीय संस्थाएं जो लाभ के उद्देश्य से, ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो लाभ के उद्देश्य से मुद्रा और साख में व्यापार करती हैं, वह व्यापारिक बैंक है। व्यापारिक बैंक का जो ओपनिंग होती है, जो व्यापारिक बैंक खोले जाते हैं, उसके लिए जो हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उससे अनुमति लेनी पड़ती है, उसके नियमों को उन बैंकों को मानना होता है और उस जो केंद्रीय बैंक है उन बैंकों को, जितने भी व्यापारिक बैंक हैं उन सारे बैंकों को रेगुलेट करता है, उनको नियमित करता है, उनके नियम बनाता है और उन नियमों का पालन भी करवाता है। यह सब केंद्रीय बैंक अर्थात जो हमारा RBI है उसका कार्य होता है। तो हम अब देखते हैं कि व्यापारिक बैंक कौन से बैंक हैं। ऐसे बैंक वित्तीय संस्थाएं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से मुद्रा और साख में व्यापार करती हैं, उनको हम व्यापारिक बैंक कहते हैं। अब व्यापारिक बैंक के कार्य बहुत सारे कार्य हैं। जितने भी बैंकिंग हम लोगों से जुड़ी हुई बैंकिंग सिस्टम है वह सब व्यापारिक बैंक में ही होता है। हमारे किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था के सीधे खाते रिजर्व बैंक अर्थात केंद्रीय बैंक में नहीं होते हैं, बल्कि व्यापारिक बैंक में ही सब लोगों के खाते होते हैं। तो जितने भी काम जो बैंकिंग के हैं उन सब का हम अध्ययन करेंगे, किस प्रकार से बैंक कार्य करता है और किस प्रकार से जनता को सुविधाएं प्रदान होती हैं, बैंक के कार्य करने किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में गति आती है बैंकों के कार्यों से, तो हम देखते हैं। सबसे पहले आप चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे कार्यों को एक हमने माइंड मैप के रूप में अर्थात एक फ्लो चार्ट के रूप में बनाया है, हिसाब से आपको देखने में आसानी होगी। तो इसको आप नोट एक बार स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। व्यापारिक बैंक के जो कार्य हैं उनको मुख्यतः दो भागों बांटते हैं। जो व्यापारिक बैंक के कार्य हैं, पहले मुख्य या प्राथमिक कार्य और दूसरे हैं सहायक या गौण कार्य सेकेंडरी। ये प्राइमरी फंक्शंस हैं और ये सेकेंडरी फंक्शंस हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस, दो प्रकार के कार्यों को बांट दिया सबसे पहले। अब हमने सबसे पहला हमने दो भागों में बांटा, अब उसके बाद हम फिर और बाइफर्केट करते हैं, फिर और हम भाग बांटते हैं। जो मुख्य कार्य या प्राथमिक कार्य हैं उनके तीन पार्ट कर दिए। नंबर एक जमाएं स्वीकार करना, नंबर दो ऋण देना, नंबर तीन साख निर्माण। प्राथमिक कार्यों में फिर तीन कार्य और जुड़ गए हैं, तीन कार्य और उसके हम विभाजित कर दिए हैं। जमाएं स्वीकार करना अर्थात जो जनता अपने बचतों को जमा करती है सुरक्षित रखने के लिए या ब्याज कमाने के लिए, उन सब जमाओं को बैंक चार प्रकार से स्वीकार करता है, उनको हम चार प्रकार के खाते कहते हैं। जो खाते हैं, सबसे पहला जो अकाउंट होता है वह है चालू खाता होता है, करंट अकाउंट, इसको हम करंट अकाउंट कहते हैं। अर्थात चालू खाता ऐसा खाता होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति जो खाता धारक है वह एक दिन में कितनी ही बार उसमें लेन देन कर सकता है, उसको हम चालू खाता कहते हैं। अर्थात यह खाता किसी सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि जो व्यापारिक कार्य करते हैं, कोई दुकानदार हैं, कोई बिजनेसमैन हैं या कोई फिर और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन लोगों के खाते चालू खाते होते हैं। इस खाते में बैंक ब्याज बिल्कुल नहीं देता है, ध्यान देंगे इस बात का, बल्कि कुछ कमीशन जो मेंटेनेंस का जो समय बैंक का लगता है उसके बदले कुछ कमीशन
खाताधारकों से लेता है। इस खाते में जो चालू खाता है उस खाते में बैंक ब्याज बिल्कुल भी नहीं देता है। दूसरा है बचत खाता, जिसको हम सेविंग अकाउंट कहते हैं। सेविंग अकाउंट बचत खाता है जो सामान्यतः है, जैसे हम लोग हैं, जितने भी जो सामान्य व्यक्ति हैं या जो वेतन भोगी हैं या छोटी बचतों वाले जो लोग हैं, वह सब लोग अपनी छोटी छोटी बचतों को सुरक्षित रखने के लिए और साथ साथ उसमें कुछ लाभ अर्थात ब्याज के रूप में लाभ कमाने के लिए बैंक में जमा करते हैं, उसको हम बचत खाता कहेंगे। तो बचत खाते में जो ब्याज की दरें होती हैं बहुत कम होती हैं। इसमें हम छोटी छोटी बचतों को जमा करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर, जब हमें आवश्यकता पड़ती है तब हम निकाल भी लेते हैं। और जितने भी हमारे कल हम पढ़े थे ई बैंकिंग जो हमने पढ़ा था, ई मुद्रा पढ़ा था, या जो हमने कल पढ़ा था, जो चेक पढ़ा था, हुंडी पढ़ा था, साख पत्र पढ़े थे, जितने भी चीजें हमने कल बातें की थी, जितने भी इंटरनेट बैंकिंग होती है, जितना आपके गूगल पे हैं, भीम ऐप है, जितने भी ये ऐप हैं, पेमेंट ऐप जितने भी हैं, ये सब आपके बचत खाते से ही जुड़ते हैं। ध्यान देंगे इस बात का, जितने भी हमारे जितने भी ऐप्स हैं जो हमारे ट्रांजैक्शन के लिए हम यूज करते हैं, हमने कहीं से कुछ खरीदा, उसका क्यूआर कोड स्कैन किया, उसको पेमेंट कर दिया, या कहीं हमने किसी को पेमेंट करना है उसके खाते में हमने अपने खाते पैसे ट्रांसफर कर दिए, यह सारे कार्य बचत खाते में ही होते हैं। इसलिए आज के समय में बचत खाता बहुत अनिवार्य और सबसे अधिक एक्टिव हो गया है। इसके बाद अगला है सावधि जमा, जिसको हम फिक्स डिपॉजिट या शॉर्ट में एफडी, एफडी नाम से आप जानते होंगे, नाम से स्पष्ट है। इसमें सावधि जमा अर्थात एक निश्चित समय के लिए जब हम एक निश्चित धनराशि बैंक में जमा कर देते हैं, बैंक हमको एक सर्टिफिकेट दे देता है, इतना रुपया आपने इतने समय के लिए जमा किया है, इसको हम सावधि जमा या फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। इसमें जो ब्याज दरें हैं वो सबसे अधिक होती हैं। हालांकि वर्तमान में ब्याज दरें बहुत गिर गई हैं, इसमें 6% लघु ब्याज मिल रहा है और जो बचत खाता है उसमें 3% लघु ब्याज आजकल मिल रहा है। तो जो सावधि जमा है उस खाते में हमने पैसा एक बार जमा करना है और जितने समय के लिए जमा किया है उससे पहले बैंक के पास हमने जाना नहीं है पैसे निकालने के लिए। अगर हम उससे पहले पैसे निकाल लेते हैं, जो हमारा निश्चित समय था, हमारा 3 साल के लिए हमने एफडी किया है, 3 साल से पहले 2 दिन पहले भी अगर हम पैसे निकालते हैं तो हमें उसमें जो एफडी का लाभ मिलना है वो ब्याज नहीं मिलेगा बल्कि फिर बचत खाते का ब्याज मिलेगा। फिक्स या सावधि जमा या एफडी क्या हो गया, एक निश्चित धनराशि को निश्चित समय के लिए हमने बैंक में जमा कर दिया, वह सावधि जमा खाता हो गया। अब इसके बाद चौथा खाता है जो जमाएं स्वीकार करता है बैंक, आवर्ती जमा, आप इसको आरडी नाम से जानते हैं, आरडी सब जानते हैं, आप पोस्ट ऑफिस में भी आरडी खोलते हैं और बैंक में भी आरडी खोल सकते हैं। अब आरडी या सावधि जमा, इसको हम रिकरिंग डिपोजिट कहते हैं। ये क्या है ये समझिए, इसमें जैसे आप पोस्ट ऑफिस में जानते होंगे कि हम प्रति माह जितने भी हम आरडी खोलते हैं 5 साल के लिए, पोस्ट ऑफिस में सामान्यतः 5 साल की ही आरडी खुल जाती है, तो 5 साल के लिए हम एक निश्चित राशि प्रति माह जमा कर रहे होते हैं तो उसको हम रिकरिंग डिपॉजिट या आरडी कहते हैं, सावधि जमा सॉरी आवर्ती जमा खाता कहते हैं, जिसमें हम प्रति माह एक निश्चित धनराशि निश्चित समय के लिए पोस्ट ऑफिस में 5 साल के लिए, बैंक में आप चाहें तो 1 साल के लिए भी आरडी कर सकते हैं या 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए भी आरडी आप बैंक में कर सकते हैं। एक निश्चित धनराशि प्रति माह आपने उस खाते में जमा करनी है। इसमें भी ब्याज बचत खाते से अधिक होता है, लगभग सावधि जमा के बराबर होता है। तो ये थी पहला कार्य जो बैंक का मुख्य कार्य था, प्राथमिक कार्य जो आपका पहला है कौन सा, जमाएं स्वीकार करना। सारे व्यापारिक बैंक 4 प्रकार से जमाएं स्वीकार करते हैं, चालू खाता, बचत खाता, सावधि जमा खाता और आवर्ती खाता। अब दूसरा है बैंक का कार्य ऋण देना। दूसरा कार्य क्या है, जो मुख्य मुख्य कार्य बैंक का है ऋण देना। अब हमने बैंक को पैसे जमा कर दिए, बैंक हमें ब्याज दे रहा है, अर्थात अगर हम अपने दोस्त को किसी को पैसे देते हैं, उसको हमने कहा भाई मेरे पैसे संभाल देना, 10,000 रुपये मेरे पास हैं, इसको संभाल के रख देना, मैं अगले महीने आपसे पैसे ले लूंगा, तो वह हमें 10,000 रुपये ही देगा। लेकिन बैंक उस पैसे को सुरक्षित रखने के साथ साथ हमें कुछ बढ़ा के दे रहा है, ब्याज दे रहा है। तो वह ब्याज बैंक कहां से देता है,
और जो बैंक जो खोला है वो लाभ कहां से बैंक कमा रहा है? मैंने कहा ना व्यापारिक बैंक क्या है, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से मुद्रा और साख में व्यापार कर रहे हैं वो व्यापारिक बैंक है। अब लाभ कैसे कमा रहे हैं ध्यान दीजिए, जो ये खाते में जमा पैसे हो रहे हैं इन पैसों को बैंक आवश्यकता जिनको जरूरत होती है, जरूरतमंद लोगों को, बड़े निवेशकों को या सामान्य लोगों को ऋण देते हैं, उसको हम कहते हैं ऋण देना। दूसरा कार्य बैंक का ऋण देना हो गया। अब मैंने कहा था कि इसमें लगभग 3% ब्याज है, इसमें 6% लगभग, इसमें 6% ब्याज है। अगर आप बैंक के पास ऋण लेने जाओगे तो बैंक आपको बताएंगे कि कुछ ऋण आपके 8% की दर से, बहुत जो होम लोन या कुछ अन्य लोन है, बाकी जितने भी जो अन्य ऋण है वह सब हायर लेवल होते हैं, लगभग 14% तक ऋण होते हैं। जमा अगर बैंक हम पैसा जमा कर रहे हैं 1 लाख बैंक में हमने जमा किया तो बैंक ने हमें 3% ब्याज दिया, एफडी किया तो 6% ब्याज दिया, लेकिन जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक हमसे 12% 14% ब्याज दे रहा है। जो ये ब्याज का अंतर है यही बैंक की एक प्रकार से कमाई है, यही बैंक की कमाई है, यही बैंक का लाभ है। तो यह ऋण हमें कितने प्रकार से बैंक देता है, नकद साख के रूप में। अर्थात नकद साख का मतलब होता है कि जब हम जाएंगे बैंक के पास ऋण लेने के लिए, हमें आवश्यकता पड़ी, किसी को अपना व्यवसाय शुरू करना है उसके लिए पैसा चाहिए, किसी को अपने कार खरीदनी है घर के यूज के लिए, बाइक खरीदनी है उसके लिए पैसा चाहिए, किसी को कोई सामान और खरीदना है उसके लिए पैसा चाहिए, किसी को कोई उद्योगपति है उनको पैसा चाहिए, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति पैसा लेने के लिए बैंक के पास जाता है। तो बैंक क्या करता है, उस व्यक्ति से कुछ सिक्योरिटीज लेता है, उसके कुछ एक तो जमानत वाले लोग चाहिए कि जो उसको जानते हों, जिस खाते वहाँ हों, और उन लोगों की जमानत देगा कि भाई इसको जान रहा है, अगर ये व्यक्ति पैसा नहीं देगा तो जो जमानतधारी हैं उनसे पैसा लिया जाएगा। तो बैंक पहले स्वीकार कर लेता है कि जो पैसा मैं दे रहा हूँ वो पैसा वापस आएगा, और साथ में बैंक यह भी देखता है कि जिस व्यक्ति को लोन दे रहा है वो व्यक्ति लोन किस कार्य से ले रहा है, वह उस कार्य में पैसा लगा रहा है या नहीं लगा रहा है यह भी देख लेगा, और उसके पास क्या क्या चीजें हैं जिनके आधार पर अगर कोई व्यक्ति पैसा न दे पाए, लोन न चुका पाए, तो उन चीजों को बेच करके बैंक अपना पैसा वसूल कर लेता है। तो उनको हम कहते हैं बॉन्ड या सिक्योरिटीज, या जैसे माना किसी के जमीन के कागज बैंक रख लेता है, किसी के कोई एफडी के कागज हैं उनको रख लेगा, एलआईसी के कागज हैं उनको रख लेगा, जो भी आपके पास इस प्रकार के जो वैल्यूबल चीजें हैं उन चीजों को बैंक अपने पास बंधक रख लेता है, उस बेस पर जब ऋण देता है उसको हम नकद साख कहते हैं। नकद साख, अभी हम साख में बाकी पढ़ेंगे साख क्या होता है। तो बैंक, आपने बैंक से लोन लिया, बैंक आपके खाते में जितना भी लोन होगा उतने रुपए डाल देगा, वह नकद साख हो गया। और दूसरा इसमें देता है अधिविकर्षण, अर्थात ओवरड्राफ्टिंग कहते हैं इसको, नकद साख हो या कैश क्रेडिट, और यह है ओवरड्राफ्टिंग। ओवरड्राफ्ट मतलब जैसे नाम से स्पष्ट है कि हमारे खाते में पैसा तो नहीं है, लेकिन बैंक ने हमें सुविधा दी है कि हम अपने खाते में पैसा न होने पर भी एक निश्चित सीमा तक पैसा बैंक से आहरित कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। जैसे ही हमारे खाते में पैसा आएगा बैंक उस पैसे को उसमें से काट लेगा, और यह सुविधा जो चालू खाता रखने वालों को ही मिलती है, यह भी ध्यान देना। जो ओवरड्राफ्टिंग की सुविधा है, जो बड़े व्यापारी लोग होते हैं बैंक उनको जानता है, उनके एसेट्स को जानता है, उनके जो संपत्ति है उसको जानता है, उस हिसाब से बैंक उनको ओवरड्राफ्टिंग की सुविधा देता है। तो और यह है आपका ओवरड्राफ्टिंग केवल चालू खाते में ही होती है। अगला आपका है ऋण देना, ऋण हो गए इसमें ऋण एवं अग्रिम। कभी कभी बैंक क्या करता है कि ऋण भी देता है, जैसे आपने ये देखा एक निश्चित धनराशि के रूप में बैंक ऋणदाता को देता है, और उसमें जो भी चीजें हैं उसकी उस पैसे को वह ऋणदाता कभी भी निकाल सकता है। अर्थात जब ऋणदाता अपने बैंक ऋणदाता के खाते में ऋण की रकम इकट्ठी जमा कर देता है, और ऋणदाता अपनी सुविधा अनुसार उसमें से निकालता रहेगा, या एडवांस, जैसे माना कोई जो सैलरी वाले जिनके सैलरी वहाँ बैंक में जाती है वो लोग अपनी सैलरी के बेस पर एडवांस भी कुछ समय के लिए निकाल सकते हैं, वह भी आपका बैंक सुविधा में देता है। इस प्रकार से बैंक ऋण देने का कार्य करता है, और यह ऋण देना ही बैंक के लाभ का एक
कारण है, इसी कारण बैंक को लाभ प्राप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो इसमें और हैं, जो अगला मुख्य कार्य है साख निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन। ये साख निर्माण वाला जो पार्ट है, इसको हम कल पूरा एक लेसन होगा, पूरा एक लेक्चर होगा, उसमें पढ़ेंगे। काफी बड़ा है ये साख निर्माण की प्रक्रिया, कैसे साख निर्माण करता है, कल इसमें हम पूरा पढ़ेंगे। इसको अभी छोड़ रहे हैं, साख निर्माण जो तीसरा मुख्य कार्य। अब उसके बाद जो सहायक कार्य हैं, ये तो मुख्य कार्य थे, जमाएं स्वीकार करना, ऋण देना और साख निर्माण करना, और इसके साथ हैं सहायक या गौण कार्य जो उसके सेकेंडरी फंक्शंस हैं। वो क्या है? वो आपके एजेंट के रूप में कार्य करना, सामान्य उपयोगिता कार्य और सामाजिक कार्य। अब एजेंट के रूप में जब बैंक कार्य करता है, वो कौन से कार्य हैं? एजेंट समझते हैं जो हमारे बिहाफ में हमारे काम करता है। जैसे हमने कहा कोई आपके आसपास आरडी का एक एजेंट होता है, आरडी जमा करने वाला पोस्ट ऑफिस में, वो आपसे आरडी ले जाएगा, हर महीने आकर के आरडी के पैसे ले जाएगा और पोस्ट ऑफिस जमा करेगा, उसको हम एजेंट कहेंगे। या इसी प्रकार से हमें कहीं कुछ खरीद फरोख्त करनी है, तो वह एक व्यक्ति बिचौलिया होता है, जो जो हमें विक्रेता से मिलाता है, अर्थात विक्रेता क्रेता को मिलाता है, उनके बीच सौदा बना उतरवाता है, उसको हम एजेंट कहते हैं, और दलाल भी हम कह सकते हैं, ब्रोकर भी हम इसमें कहते हैं। तो ये क्या है, ये बैंक भी एजेंट के रूप में कार्य करता है। बैंक के माध्यम से हम शेयर मार्केट में शेयर्स को खरीद बेच सकते हैं, और बैंक के माध्यम से हम जो सिक्योरिटीज है प्रतिभूतियों खरीद खरीद बेच सकते हैं, और बैंक के माध्यम से ही हम विभिन्न मदों का, जैसे बैंक कहीं पर हम जाके बैंक में अपनी फीस जमा करते हैं, किसी अपने स्कूल के फीस जमा बैंक में करते हैं, या हम कि कहीं अप्लाई कर रहे हैं उसकी फीस हम बैंक में जमा करते हैं, बैंक के माध्यम से जहां अप्लाई किया वहां फीस फॉर्म फीस चल जाएगी। इस प्रकार के जो कार्य बैंक करता है, इन कार्यों को हम क्या कहेंगे, एजेंट के रूप में कार्य। और ये कार्य इसमें और आता है धन का प्रेषण करना, धन भेजना। कहीं पर हमने यहाँ से किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे पहुंचाने हैं, या तो खुद जाकर के पैसे यहाँ पैसे से बैंक से निकालें, खुद जाएं और उस व्यक्ति को दे के आए, बहुत समय लगता है, बहुत खर्चा लगता है, इसलिए हम क्या करते हैं, बैंक के माध्यम से हम उस व्यक्ति के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो यह भी एक एजेंट के रूप में कार्य है, जो बैंक हमारे बिहाफ में उस व्यक्ति के खाते में पैसे डाल रहा है। इस प्रकार से अनेक कार्य हैं जो बैंक करता है एज एजेंट के रूप में। और इसी में अगर किसी के पास विदेशी मुद्रा है, माना कोई व्यक्ति विदेश में कार्य कर रहा है, वह विदेश से अपनी विदेशी मुद्रा भेजता है, तो उसको चेंज करने का काम, उसको अपने देश की मुद्रा बनाने का कार्य भी यह व्यापारिक बैंक करते हैं। ये सब एजेंट के रूप में कार्य होंगे बैंक के। बैंक एजेंट के रूप में कार्य करता है, बैंक के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं, अर्थात जो प्रतिभूतियां का क्रय विक्रय कर सकते हैं, हम शेयर मार्केट में बॉन्ड का क्रय विक्रय करते हैं, जो शेयर्स हैं उनका क्रय विक्रय कर सकते हैं, और साथ ही साथ बैंक के माध्यम से हम अपना पैसा किसी व्यक्ति के खाते में डाल सकते हैं। बैंक के माध्यम से हम अपनी फीस या जो भी हमारे शुल्क हैं, जितने भी प्रकार की चालान लगना है, या कोई भी चीज़ है इस प्रकार से जो हमने सरकारी खाते में जमा करनी हो या किसी अन्य व्यक्ति के खाते में जमा करनी हो, इस प्रकार के फीसों को हम जमा कर सकते हैं। यह सब कार्य बैंक के कौन से कार्य हैं? एजेंट के रूप में बैंक के कार्य हैं। ये हो गया एजेंट के रूप में कार्य। दूसरा है सामान्य उपयोगिता कार्य। अब सामान्य उपयोगिता मतलब बैंक से हमें और क्या क्या फायदे होते हैं। बैंक हमें लॉकर देता है, बैंक हमें क्या देता है, लॉकर सुविधा देता है, अर्थात बैंक में हम लॉकर खोलते हैं, लॉकर में जिसमें हम अपनी जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं उनको सुरक्षित रख सकते हैं। बैंक में हमारा खाता है तो बैंक हमें एक अलमारी देता है, जिसमें जिसकी चाबी हमारे पास होगी, हम वहां जाकर के अपने बैंक के समय में जाएंगे, जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ति करेंगे, जो भी फॉर्म भरने हैं, वहां जाने का समय, आने का समय और जो भी है, तो उसके बाद हम अपना सामान वहां रख करके अपना ताला अपने साथ ला चाबी ला सकते हैं। इसी प्रकार से बैंक वहां से निकालना हो, जमा करना, जो भी है, जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं, जेवर हैं, आदि चीजें हैं, उनको हम बैंक के लॉकर में रख सकते हैं। यह बैंक हमें लॉकर सुविधा देता है। दूसरा इसमें है आजकल अब आ गए मल्टी सिटी चेक या यात्री चेक, जो चेक सुविधा बैंक देता है हमें। हमारे पास बैंक का पासबुक नहीं है, हम कहीं बाहर गए हैं, या हमने किसी व्यक्ति को पैसे पेमेंट करने हैं ऑनलाइन पेमेंट न करके, हम इससे पहले चेक का जमाना था, अब तो चेक की यूज बहुत कम हो गया है,
तो उस व्यक्ति को हम चेक दे देंगे, जिस भी शहर में होगा वह व्यक्ति उस शहर से अपना उस खाते बैंक में जमा करेगा चेक, उसको पैसा मिल जाएगा। या यात्री चेक अलग से बैंक जारी करता था पहले, अब तो सारे ऑनलाइन सुविधाएं हैं तो चेकों का उतना कार्य नहीं रह गया है, फिर भी कहीं यूज होते हैं चेक अभी भी। और साथ ही साथ एटीएम की सुविधा बैंक हमें देता है, बैंक हमें एटीएम देता है, हम हमारे पास एटीएम कार्ड है तो हम जिस जहां चाहें बैंक से, अगर हमारे बचत खाते में, ध्यान देना ये सारी प्रक्रियाएं बचत खाते से ही जुड़ी हैं, बचत खाते में ही होती हैं, अपने बचत खाते से पैसे निकाल सकते हैं। या इसी प्रकार से एटीएम, अब आजकल जो जितनी भी नेट बैंकिंग सुविधाएं जो बैंक दे रहा है वह भी सब बचत खाते में है, यह भी बैंक का सामान्य उपयोगिता के कार्यों के अंतर्गत आता है। तो बैंक के सामान्य उपयोगिता के कार्य हो गए हमारे, बैंक हमें चेक सुविधा देता है जिससे हम किसी दूसरे शहर में हैं तब भी हम चेक से पैसा ले सकते हैं, किसी व्यक्ति को चेक भेज करके भी हम पैसा ले सकते हैं, अगर हमने कहीं पर पैसा अधिक भेजना है ऑनलाइन नहीं भेज, हम ड्राफ्ट बना करके भी वहां भेज सकते हैं, या हम बैंक में लॉकर सुविधा में अपना जो बहुमूल्य जो हमारे चीजें हैं वस्तुएं हैं उनको हम बैंक के लॉकर में तिजोरी में सेफ रख सकते हैं। और साथ ही साथ बैंक हमें एटीएम कार्ड देता है जिससे हम पैसा निकाल सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर बचत खाते से। इसके साथ ही साथ बैंक हमें इंटरनेट बैंकिंग देता है जिससे आज के समय में बैंकिंग का सामान या बैंकिंग का काम या हमारा खरीद फरोख्त करने का काम, ऑनलाइन जो शॉपिंग हम करते हैं या हमने मोबाइल रिचार्ज करना है या हमने किसी के दुकान में पेमेंट करना है, यह सब कुछ आजकल ऑनलाइन हो जाता है, जिसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऐप भारत सरकार के भी हैं और जिसमें भीम ऐप है, या हम गूगल पे तेज, बहुत सारे जो पेमेंट जो गेटवेज हैं इन सब का उपयोग भी बैंक हमें करने की सुविधा देता है, यही सामान्य उपयोगिता कार्य हैं। इसमें एक और चीज़ है, एक आपका जो एटीएम कार्ड है उसको डेबिट कार्ड कहते हैं, एक साथ में और दूसरा कार्ड मिल सकता है जो चाहता है उसको क्रेडिट कार्ड कहते हैं। डेबिट कार्ड में से पैसा तब निकाल सकते हैं या उससे लेन देन तब कर सकते हैं जब आपके बचत खाते में पैसा होता है तब। दूसरा जो क्रेडिट कार्ड है उसमें पैसा होना आवश्यक नहीं है बचत खाते में, एक महीने बाद बिल आप उसमें जमा कर सकते हैं, तो वो भी क्रेडिट कार्ड है, एक महीने तक खर्च कीजिए उसके बाद उसका बिल जमा बाद में करते हैं, ये आपका क्रेडिट कार्ड होता है। तो यह बैंक के सामान्य उपयोगिता कार्य हो गए। अब अगला है सामाजिक कार्य क्या करता है बैंक। इसके बाद बैंक कुछ सामाजिक कार्य भी करता है, अर्थात जब हम देखते हैं सामाजिक कार्यों में बैंक के आते हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था है, देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है, जो व्यापारिक बैंक है, जब हम साख निर्माण और साख नियंत्रण रिजर्व बैंक पढ़ेंगे उस समय सब क्लियर हो जाएगा कि देश की अर्थव्यवस्था में व्यापारिक बैंकों का क्या योगदान है। दूसरा, निवेश को प्रोत्साहित करता है बैंक, ऋण देकर के, लोगों के पास पैसा नहीं भी है तो बैंक से ऋण लेकर के व्यक्ति निवेश करते हैं जिससे वह उत्पादन कार्य में पैसा लगाते हैं और उनको लाभ कमाते हैं और उनका ही रोजगार का साधन बनता है। इसी प्रकार से पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करता है बैंक, रोजगार में वृद्धि होती है बैंकों के माध्यम से, बैंक निवेश के लिए पैसा देगा, कहीं फैक्ट्री खुलेगी, कुछ कार्य शुरू होगा तो वहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार को भी बैंक इस प्रकार से प्रोत्साहित करता है। और इसी प्रकार से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करता है, और ये सब कार्य बैंक के हैं जिसमें जो व्यापारिक बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका हमारे आर्थिक आर्थिक विकास में होती है। तो यह सब व्यापारिक बैंक के कार्य थे, इसको आप समझ लेंगे, एक बार अपनी किताब पढ़ लेना तो और भी अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। इसके साथ ही जो कार्य हैं, एक कार्य हमने छोड़ा है व्यापारिक बैंक का, साख निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन, इसका कल पूरा लेक्चर होगा एक, उसमें हम साख निर्माण किसे कहते हैं, साख निर्माण का अर्थात बैंक साख का निर्माण कैसे करते हैं और साख निर्माण की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, साख निर्माण को नियंत्रित कौन कर सकता है, यह सब हम कल साख निर्माण वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, और थैंक यू।